हाँ दोस्तों, राजवंश सिंह मोहाली प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में स्वागत। और आज का जो टॉपिक है, किसी मजबूर को लूटो मत। रियल स्टेट बिजनेस में मैंने ये आम तौर पर देखा है कि जो जिस आदमी को पैसे की ज़रूरत होती है, उस आदमी को हम जितना भी ज़्यादा ज़्यादा निचोड़ सकते हैं, निचोड़ते हैं। ये मैंने आम देखा है और लोगों के मन में ये बात बैठी हुई है कि जितना आप सौदे को तोड़ के ले लोगे, तोड़ के मतलब रेट कम करके ले लोगे, उतना ही आपका प्रॉफिट हो जाएगा। मैं इससे 100% सहमत नहीं हूँ। मैं इसको दूसरे एंगल से भी सोचता हूँ कि यदि आप कोई प्रॉपर्टी ले लेते हो, किसी की मजबूरी का नजायज़ फ़ायदा उठाना किसी भी धर्म में सही नहीं माना जाता। यदि किसी भी धर्म में सही नहीं माना जाता तो वो काम हमारा बेस्ट कैसे हो सकता है, हमारा काम बढ़िया कैसे हो सकता है। तो हमने इस बात से अपने आप को बचा के रखना है कि किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना। इसका फिर तोड़ क्या है? मैं कई बार आपकी मेरी वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी ली जो लोग उसको रिकमेंड नहीं करते थे कि महंगी है, लेकिन मैंने उसको रीशेप किया। रीशेप करने के बाद वो प्रॉपर्टी बहुत अच्छे प्रॉफिट दे के फिर बिक जाती है। यदि हम किसी मजबूर बंदे का गला घोटते रहेंगे तो वो उससे हम अच्छी मतलब ये कोई अपेक्षा नहीं कर सकते कि हमें वो बहुत बड़ी आशीष देगा। कई बार ऐसे मतलब दुराशीष भी मिल जाती है, तो दुराशीष से बचना है। तो यदि आप प्रॉपर्टी लेते हो, ठीक है, ठीक, आपको रेट में ठीक में आने चाहिए, लेकिन उसको बेचने के लिए आप रीशेप कर सकते हो, कुछ और कोई अपने दिमाग से अपने तजर्बे के हिसाब से कोई उसमें स्किल डाल के उस प्रॉपर्टी में से पैसा कमा सकते हो। सो आपने ये बात का ध्यान रखना है कि किसी भी मजबूर बंदे की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाओगे तो हम बहुत बढ़िया रहेंगे परमात्मा की नज़र में, अपने धर्म की नज़र में, एक इंसानियत की नज़र में। यदि हम इस तरीके के काम करना है, मतलब बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है, या शेर है जो हिरन का शिकार करता है, या किसी और चीज़ का शिकार करता है, तो फिर हमारे और पशुओं में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप प्रॉपर्टी महंगी ना खरीदो, कम से कम ये इतना ज़रूर ध्यान रखो कि किसी की मजबूरी का नजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। उसको गरीब आदमी को, जो सामने वाला मजबूर आदमी है, उसकी आंखों में आंसू जरूर देख लो। यदि आप ये देखना शुरू कर दोगे तो कुदरत ही आपका साथ दे देगी। तो जब कुदरत आपका साथ देती है तो आप तो पैसे कमा ही लेने हैं। प्रॉपर्टी को आगे बेचने के बहुत ज़्यादा स्किल हैं। हम प्रॉपर्टी मतलब स्किल के साथ बेच सकते हैं, उसको रीशेप कर सकते हैं, उसको और कई तरीकों से लोगों में ला सकते हैं। बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपके सामने होऊंगा। तब तक आप इस विशेष बात का ध्यान रखना, ये मेरी आपको पर्सनल तौर पे रिक्वेस्ट है कि हमने किसी भी मजबूर का गला नहीं घोटना। थैंक यू वेरी